दोस्तों 5G टेक्नोलॉजी हमारे लिए डेंजरस क्यों है, जानेंगे कुछ पॉइंट की मदद से। पहला है कि 5G सेल टावर ज्यादा खतरनाक है 3G और 4G सेल टावर से। इसके दो कारण हैं। पहला है कि 5G टेक्नोलॉजी यूज करती है अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी एंड अल्ट्रा हाई इंटेंसिटी रेडियो वेव। 3G एंड 4G 1 से 4 गीगाहर्ट्ज़ तक की फ्रिक्वेंसी यूज करती है और 5G टेक्नोलॉजी 24 से लेकर 90 गीगाहर्ट्ज़ तक की फ्रिक्वेंसी यूज करेगी, जो हमारे लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकती है, क्योंकि 90 गीगाहर्ट्ज़ 90 बिलियन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करती है और 5G टेक्नोलॉजी के बाद यह रेडिएशन हर तरफ फैली होगी और यह हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो वेव हमारे शरीर के सेल को नष्ट कर सकती है। दूसरा कारण है दोस्तों, 5G टेक्नोलॉजी शॉर्टर लेंथ मिलीमीटर रेडियो वेव यूज करेगी, यानी हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो वेव, और यह शॉर्टर रेडियो वेव्स ब्लॉक हो सकती है किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट के द्वारा, क्योंकि हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो वेव किसी भी फिजिकल ऑब्जेक्ट में से पास नहीं हो सकती। इसका अर्थ है कि हमने हमारे सेल टावर की संख्या इंक्रीज करनी होगी, यानी सिग्नल को बनाए रखने के लिए हमने टावर्स की संख्या बढ़ानी होगी, क्योंकि ये शॉर्टर डिस्टेंस रेडियो वेव किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा ब्लॉक हो सकती है और इसको रिलायबल बनाने के लिए हमको टावर्स की संख्या को इंक्रीज करना होगा। दोस्तों सेल टावर बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं, परंतु ज्यादातर लोगों को यह एहसास नहीं है कि उनके घरों में पहले से ही कितनी रेडिएशन गुजर रही है, और यह एक सच है कि आपको किसी भी सेल टावर के नजदीक नहीं रहना चाहिए। तीसरा कारण यह है दोस्तों, 5G वाईफाई राउटर भी बहुत ज्यादा डेंजरस है 3G एंड 4G वाईफाई राउटर से, क्योंकि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि 5G टेक्नोलॉजी को ज्यादा डेंजरस बनाती है इसकी अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी एंड अल्ट्रा हाई इंटेंसिटी रेडियो वेव, क्योंकि 5G टेक्नोलॉजी यूज करती है 24 टू 90 गीगाहर्ट्ज़ तक की फ्रिक्वेंसी और 3G एंड 4G टेक्नोलॉजी यूज करती है 1 टू 4 गीगाहर्ट्ज़ तक की फ्रिक्वेंसी, और 5G टेक्नोलॉजी की अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी आपकी बॉडी के सेल को हीट कर सकती है, जिससे हमें कैंसर होने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। यह अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो वेव हमारे DNA को सप्लाइड करेगी। 3G एंड 4G रेडिएशन के संपर्क में आने वाले लोगों में कैंसर की दर पहले से लगभग 3 गुना अधिक है और 5G टेक्नोलॉजी के बाद यह संभावना और ज्यादा बढ़ जाती है। दोस्तों 5G वाईफाई राउटर ज्यादा खतरनाक है एक मोबाइल फोन से निकलने वाली 5G रेडिएशन से। यदि आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।